बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आबिद सरगानी। व्यूवर्स, आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर द ग्रेजिंग सिस्टम्स मैनेजमेंट एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम जो है डायरेक्ट जो है टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि व्हाट इज ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग है क्या? ग्रेजिंग का मतलब होता है कि ग्रेजिंग इज अ मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन विच डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक अलाउड आउटडोर टू रोम एंड कंज्यूम द ग्रासेस एंड अदर वेजिटेशंस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द ह्यूमन इंटेस्टिनल इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस लाइक सेलुलोज इनटू मीट, मिल्क, वूल एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो हम सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर सेक्शन का ऐसा पार्ट होता है जिसमें जो है एनिमल्स को एग्रीकल्चर या फिर लैंड पर, क्रॉप्स पर जो है छोड़ा जाता है ताकि वो क्रॉप्स को खाकर उनको जो है कन्वर्ट कर सकें मीट, मिल्क एंड वूल्स में, जो कि ह्यूमन की कंजम्पशन के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसा कि सेलुलोज जो है ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इनडाइजेस्टिबल होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मीट, मिल्क में, तो वो जो है डाइजेस्टिबल प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। या फिर जो वूल्स होते हैं या फिर अदर एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो फिर जो है हमें कमर्शली काम, किसी और काम में भी मदद या फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ठीक है, तो ये था ग्रेजिंग। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि ग्रेजिंग सिस्टम्स आर टाइप्स। तो ग्रेजिंग सिस्टम्स क्या है? इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन क्रिएटिंग ग्रेजिंग सिस्टम इज टू सिलेक्ट द सूटेबल सीजन ऑफ ग्रेजिंग और रेस्ट। तो एनिमल को जो है कैसे ग्रेज किया जाता है या फिर उनके सिस्टम्स या टाइप्स को सिलेक्ट करने में, तो मेन रोल किसका होता है कि सीजन ऑफ द ग्रेजिंग और जो नॉन सीजन, नॉन ग्रेजिंग जो है रेस्ट या फिर जिसको रेस्ट कहते हैं, तो उस पर डिपेंड करती है कि हमें कौन सा सिस्टम या टाइप जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्रेजिंग सिस्टम्स का डिस्कस करने से पहले जो है हम यहाँ पर तीन टर्म पढ़ेंगे कि एक होता है कि ग्रेजिंग पीरियड। ठीक है, ग्रेजिंग पीरियड इज़ अ सीजन एंड एट एंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच अ पास्चर इज ग्रेज्ड। जो जिस ड्यूरेशन में जो है या जिस सीजन में जो है एनिमल को ग्रेज किया जाता है उस पीरियड को हम कहते हैं ग्रेजिंग पीरियड। और दूसरा टर्म है डीफरमेंट। डीफरमेंट क्या है? इट्स अ पीरियड ऑफ नॉन ग्रेजिंग अंटिल द की फॉरेज स्पेशीज सेट सीड एंड सीड्स मैच्योर। ठीक है, तो ये डिले ऑफ द ग्रेजिंग होती है। ठीक है, तो इसको हम डीफरमेंट पीरियड कहा जाता है। और तीसरा जो है अ पीरियड ऑफ नॉन ग्रेजिंग फॉर द फुल ईयर इज कॉल्ड रेस्टिंग पीरियड या फिर रेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दी ग्रेजिंग सिस्टम्स एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ देयर। ठीक है, तो ग्रेजिंग सिस्टम्स, देयर आर मेनली थ्री ग्रेजिंग सिस्टम्स अवेलेबल, कंटिन्यूस ग्रेजिंग, सिंपल रोटेशनल ग्रेजिंग एंड इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग। तो चलिए हम जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं इन डिटेल में। फर्स्ट वन है कंटिन्यूस ग्रेजिंग। तो कंटिन्यूस ग्रेजिंग का मतलब है अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द एनिमल्स टू पास्चर थ्रू आउट द सीजन। तो एनिमल को जो है अनलिमिटेड जो है एक्सेस दी जाती है कि वो जो है थ्रू आउट द सीजन जो है, ये यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो पास्चर्स को जो है ग्रेज करे या फिर रोमिंग करता रहे। ठीक है, उनकी कोई लिमिट नहीं होगी, एक बड़ा सा पास्चर प्रोवाइड किया जाता है, एरिया जो है उसकी लार्ज होती है, तो उसमें एनिमल्स छोड़े जाते हैं, फिर वो वाइडली सेपरेटली जो है वो खा रहे होते हैं। ठीक है, इनकी कोई कन्फाइनमेंट नहीं होती पास्चर में। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास ग्रेजिंग सिस्टम होता है वो सिंपल रोटेशनल ग्रेजिंग होती है। ठीक है, सिंपल रोटेशनल ग्रेजिंग इन विच मूविंग द कैटल बिटवीन मोर देन वन पास्चर्स। एनिमल को जो है एक से ज़्यादा पास्चर्स में मूव किया जाता है। ठीक है, मसलन यहाँ पर जो है पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि वेरियस पास्चर्स बने हुए होते हैं, एक ही जो है जितनी भी ज़मीन होती है या फिर जितनी भी लैंड होती है तो उसके जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे कि एक पास्चर के चार हिस्से कर लिए ए बी सी और डी। तो अर्ली सीजन में एनिमल को जो है किसमें, ए शेड में, ए पास्चर में जो है छोड़ा जाता है, और मिड सीज़न में दूसरे पास्चर में, और जो है फिर लेट सीजन में जो है तीसरे कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो ऐसे उनको जो है फिर डी में और फिर जो है उनको रोटेट किया जाता है, फिर ए से बी, बी से सी और डी तक। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली मतलब के रोटेट करते रहते हैं और पास्चर को जो है एक टाइम लिमिट जो है मिल जाती है,
ताकि वो रीग्रोथ हो जाए। ठीक है। अच्छा, अभी जो तीसरा है इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मूविंग द कैटल बिटवीन मेनी पास्चर्स एट लीस्ट सेवन, ठीक है, तो सेवन पास्चर से ज़्यादा जो है पास्चर बने होते हैं, ठीक है, एक लैंड पे ऊपर या एक पास्चर के हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मोर देन सेवन बना देते हैं, ताकि ईच पास्चर को हम पेडक और सेल भी कहा जाता है, ठीक है, ताकि एनिमल्स जो है उसमें इजीली जो है ग्रेजिंग कर लें और उसके बाद उस क्रॉप को जो है एक प्रॉपर जो है रेस्टिंग पीरियड दिया जाए, ताकि वो रीग्रोथ जो है मेचोरिटी पर कर सके, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग। यहाँ पर जो है सिंपली ये सिर्फ कह सकते हैं कि वो पास्चर जो है इंटेंसिवली जो है एक पार्टीशनड होता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है रोटेशनल ग्रेजिंग हो गया, कंटिन्यूस ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, सिंपल ग्रेजिंग हो गया, सिंपल रोटेशनल ग्रेजिंग और इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग, ठीक है, तो इनके जो है एडवांटेजेस कौन से होते हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, ठीक है, तो हम ग्रेजिंग जो है कराते क्यों हैं, इनके बेनिफिट्स या फ़ायदे कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस ग्रेजिंग की जो एडवांटेजेस हैं वो ये होते हैं कि मिनिमल हेड कॉस्ट्स होती हैं और लेस मैनेजमेंट टू द फार्मर्स, इसमें मैनेजमेंट भी थोड़ी थोड़ी बहुत कम करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो कौन सी हैं, लोअर स्टॉकिंग डेंसिटी, जानवर कम रखने पड़ते हैं और पास्चर की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, मोर फॉरेज लॉसेस फ्रॉम दी ट्रैम्पलिंग ऑफ एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स जो है वहाँ पर ज़्यादा ट्रैम्पलिंग करते हैं या ज़्यादा जो है रोमिंग करते हैं, तो फॉरेज जो है एक मतलब जो है ग्राउंड हो जाते हैं या फिर उनको जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, तो फॉरेज का लॉसेस भी ज़्यादा होता है कंटिन्यूस ग्रेजिंग में। अच्छा, तीसरा क्या है कि लोअर फॉरेज यील्ड एंड क्वालिटी, अभी क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। अनइवन मैन्योर डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा वहाँ पर जो है मैन्योर की भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, जो कि लैंड को या सॉयल को जो है प्रॉपर फर्टिलाइज कर सके या उनकी जो है बेनिफिट्स मिलें, तो ये जो है इसकी लिमिटेशंस हैं कंटिन्यूस ग्रेजिंग की। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड हमारा है सिंपल रोटेशनल ग्रेजिंग, ठीक है। सिंपल रोटेशनल ग्रेजिंग के एडवांटेज कौन से होते हैं कि ये जो है 20% फॉरेज प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है और पास्चर एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस ग्रेजिंग के, कंटिन्यूस ग्रेजिंग के कंपेयर में जो है फॉरेज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है सिंपल रोटेशनल में, और इट अलोज फॉर द पास्चर रेस्ट एंड रीग्रोथ। तो इसमें जो है पास्चर को प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि वो रेस्ट भी कर ले और रीग्रोथ भी उसकी प्रॉपर हो जाए, और मैन्योर डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस ग्रेजिंग के। अच्छा, इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो हायर फेंस एंड वाटर सिस्टम कॉस्टेस होती हैं, लोअर फॉरेज एंड पास्चर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग। अच्छा, अभी यहाँ जो तीसरा है इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग, ठीक है, इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग जो है कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमें 50-80% फॉरेज प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल रोटेशनल एंड कंटिन्यूस ग्रेजिंग के, और बेटर वीड एंड ब्रश कंट्रोल होता है, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर हार्वेस्टेड फॉरेजेस, हार्वेस्टेड फॉरेजेस की जो है ज़रूरत भी कम पड़ती है, और स्टॉकिंग डेंसिटी में भी इंक्रीज्ड, एनिमल को जो है कंजेस्टेड भी किया जा सकता है, और मोर इवन मैन्योर डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पोजल, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर जो है मैन्योर को भी डिस्पोज किया जाता है, ताकि वो फॉरेज की जो या फिर क्रॉप्स जो हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी मिलती है, उनकी फर्टिलाइजेशन भी अच्छी हो जाती है इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाता है ग्रेजिंग विद सप्लीमेंट फीडिंग, ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि हम जो है एनिमल्स को सिर्फ टोटली जो है रिलाई नहीं करते कि उनको ग्रेजिंग किया जाता है, और उसके बाद जो है ग्रेजिंग के बाद जो है हम उन्हें कुछ सप्लीमेंट्री फीड भी देते हैं, ताकि हमें जो है प्रोडक्शन अच्छी मिल सके। तो ये जो है एक नॉर्मली रिकमेंडेड या सजेस्टेड है दैट एनिमल शुड कंज्यूम 2% ऑफ देयर बॉडी वेट ड्राई मैटर फ्रॉम दी ग्रेजिंग एंड रेस्ट ऑफ दी 1.5-2% बॉडी वेट ड्राई मैटर फ्रॉम सप्लीमेंट कंसनट्रेट्स, ठीक है, तो उनकी जो टोटल नीड होती है ड्राई मैटर इनटेक की 3.5-4% होती है ऑफ दी बॉडी वेट, तो उसमें से 2% तो हमें ग्रेजिंग से मिल जाता है, अभी जो 1.5-2% होती है, ठीक है, वो हमें कंसनट्रेट के ज़रिए देना होता है। अभी कंसनट्रेट क्या होते हैं, कंसनट्रेट का मतलब होता है कि जो हाई TDN या एनर्जी कंटेनिंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो फीड्स होते हैं तो वो हमें देने पड़ते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर जो है रोटेशनल ग्रेजिंग के जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो या फिर जो बेनिफिट्स हैं फार्मर्स के सस्टेनेबली को जो है रेज करने के लिए, तो वो कौन सी हैं। इट मिनिमाइज द यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स का यूज़ कम करना कम होता है। और दूसरा जो है चिकन एंड शीप्स कैन आल्सो फॉलो दी केटल, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल नीड्स जो चिकन और शीप्स की हैं वो तो अलग होती है, लेकिन इसमें ये बेनिफिट होता है कि केटल जब ग्रेजिंग करने जाते हैं तो इनके पीछे पीछे चिकन्स और शीप भी चली आती हैं, ताकि वो उनको भी मैनेज करना आसान हो जाता है। इट्स आल्सो मेन्योर, मेन्योर फ्रॉम द एनिमल्स फर्टिलाइजेज दी पास्चर विदाउट फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें जो है मोटर बोरिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। और जो मेन्योर वगैरह होता है एनिमल का, वो ही उस पॉस्चर, इस जो टोपोग्राफी होती है, सॉइल होती है, ठीक है, लैंड की, तो उसको फर्टिलाइज अच्छे से कर देती है, ठीक है। इसमें एक मेन्योर में नेचुरल एबिलिटीज होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ दी फ्रेश ग्रासेस, एनिमल को जो है फ्रेश ग्रास जो है कांस्टेंटली सप्लाई होते हैं रोटेशनल में। और फ्रेश फॉरेज जो है 70-90% वाटर होता है, तो उसमें वाटर की कंजप्शन जो है एनिमल्स की वो भी बहुत कम होती है। आफ्टर ग्रेजिंग फील्ड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा, ग्रेजिंग के बाद जो है जो लैंड होती है वो एज ए हैबिटेट बन जाती है बर्ड्स के या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए भी। अच्छा, ये भी जो है प्रूव किया गया है कि जो पास्चर रेज्ड एनिमल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस जो है फीड प्रोवाइड करते हैं एंड लियन फूड। लियन का मतलब होता है कि मोर टेस्टी और जो है एक अट्रैक्टिव फीड बना जाता, फीड जो है प्रोड्यूस होता है ग्रेजिंग से, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो से हमारा थर्ड पोर्शन है ग्रेजिंग मैनेजमेंट, तो हम ग्रेजिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, ग्रेजिंग मैनेजमेंट इज़ व्हेन यू कंट्रोल द ग्रेजिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल ऑन पास्चर। अच्छा, पास्चर में जो ग्रेजिंग होती है एनिमल्स की, उसको जब हम कंट्रोल कर लें अपनी विल पर कि हमें ग्रेजिंग कैसे करानी है या फिर किस टाइम करानी है, तो इसको हम ग्रेजिंग मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। टूल्स ऑफ ग्रेजिंग मैनेजमेंट आर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेजिंग। तो इसमें जो ग्रेजिंग मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं वो होती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेजिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेजिंग, और कितने टाइम के लिए जो है हमें एक पास्चर या फिर एक क्रॉप जो है उन एनिमल्स को छोड़ा जाए कितने टाइम के लिए, और दिन में जो है कितनी मरतबा जो है हमें उनको ग्रेजिंग करनी चाहिए। तो ये एक दो टूल्स होते हैं ग्रेजिंग मैनेजमेंट के। अच्छा, व्हाट एनिमल्स, हाउ, व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग दी दे रेज ऑन अ पास्चर डिटरमाइंस द स्पीशीज मेकअप ऑफ दी पास्चर एंड इट्स लॉन्ग टर्म वियाबिलिटी, हाउ मच फॉरेज इट यील्ड्स एंड हाउ वेल द एनिमल्स परफॉर्म, ठीक है। ट्रीट पास्चर एज अ क्रॉप, क्रॉप, ठीक है। तो पास्चर को जो है हमें एज अ क्रॉप तो जो है ट्रीट करना है। इंश्योर हाई क्वालिटी पास्चर इज ऑफर्ड ऑन ऑल पेडक्स, जितने भी पेडक्स या सेल्स बने हुए हों तो वहाँ पर हमें इंश्योर करना चाहिए कि पास्चर जो है हाई क्वालिटी का है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग एंड अंडर ग्रेजिंग पास्चर डेट्रीमेंटल टू प्लांट एंड एनिमल हेल्थ एज वेल एज सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, ठीक है। अभी ओवर ग्रेजिंग भी नहीं करानी चाहिए और अंडर ग्रेजिंग भी नहीं करानी चाहिए, प्रॉपर टाइम और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेजिंग को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमें प्रॉपर जो है ग्रेजिंग करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट प्लांट एंड एनिमल की हेल्थ पर नहीं होता, और सॉइल और वाटर की क्वालिटी जो है वो भी मतलब कि अच्छी रहती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। होपफुली आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।